नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। और आज जब लंच पे हम मिले थे हमारे एक्सपर्ट से, तो उन्होंने कहा था कि तीनों विकल्प जो है रिजल्ट के खुले हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि 261 रन 7 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर रहा। चौथे दिन के खेल में खेल को थोड़ी देर बढ़ाया गया क्योंकि बारिश की वजह से एक मैच में खलल पड़ा था। और अब जो लीड है उनके पास वो है 326 रनों की, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो लीड है वो 326 रनों की है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरी दिन कम से कम 326 रन बनाने का सपना तो टीम इंडिया शायद नहीं देख सकती। यही हमारी और खेल प्रेमियों की सोच होगी। हम एक्सपर्ट के पास भी जाएंगे, उनकी सोच क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे और क्या संभव है ये जानने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया 261 7 विकेट के नुकसान पर, और दूसरी पारी में भारतीय तेज गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए क्योंकि उमेश यादव ने 2 विकेट लिए, ईशांत शर्मा ने 2 विकेट लिए और मोहम्मद शमी ने 1 विकेट चटकाया। आर अश्विन को भी 2 सफलताएं मिली हैं। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की है और पिच में यह भी देखा गया है कि थोड़ी अनइवन बाउंस है, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने धीमा मैच नहीं खेला क्योंकि इस मैच में भी वो कहीं ना कहीं नतीजा चाहता है और इस सीरीज में 3-0 की बढ़त लेने का जो इरादा है वो साफ नजर आया ऑस्ट्रेलिया के खेल में, बल्लेबाजी में। और आपको ब्यौरा दे दें, दूसरी पारी में पहला विकेट डेविड वार्नर का गिरा, 40 रन बनाए ताबड़तोड़। क्रिस रॉजर्स दूसरे ओपनर अर्धशतक लगाने की उनकी आदत सी बन गई है। 69 रन उन्होंने बनाए, 69, और उसके बाद हालांकि वॉटसन 17 और कप्तान जो कि पिछली पारी में दोहरे शतक से 8 रन से चूक गए थे, 192 रन बनाए थे, 192 17 रन बनाकर आउट हुए।